अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके तमाम पार्ट्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, आपने डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये आपके पास दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखें, आपको मालूम है कि डिवाइड में क्या होता है कि जो बड़ी एक्सप्रेशन होती है वो डिवाइड, उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये डिवी। ठीक है, तो इनमें से जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 से। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि जो आपकी पहली टर्म होगी ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, वो कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, पहली टर्म इसमें कैंसिल होना लाजमी है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि जो इसकी पहली टर्म है वो कैंसिल होना लाजमी होती है। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि या तो मेरा ये चीज आ जाए या इससे कम आ जाए। देखिए, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने से अगेन मेरे पास यही चीज बन जाएगी। ठीक है, मेरी पहली टर्म तो कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसको यही लिख दिया, 1 से करने से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर खत्म करना था। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर अगेन वही चीज आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब आपने क्या करना होता है, जो इनके साइन, जो नीचे वाली वैल्यूज है, इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। जैसे ये इस वक्त प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब साइन को आप हाईलाइट करने के लिए ना, अगर आप ये ब्लू पेन से जैसे कर रहे हो तो ये साइन जो है इनको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, अब आप नीचे वाले साइन काउंट करेंगे और ये माइनस में, कैंसिल। अब देखें, माइनस 25x प्लस एक्स, तो माइनस 25 और प्लस 1, तो ये कितना बच जाएगा? माइनस 24। तो क्या आ जाएगा? माइनस 24x और प्लस 100 और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 120। अब ये आ गया। अब अगर माइनस 24x प्लस 120 अगर मैं इनमें कॉमन निकालूं, तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो देखिए, 24 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 24 के टेबल में 120 आता है, तो मैंने माइनस 24 कॉमन निकाला है। ठीक है, सही है। तो पहले टर्म में तो मेरा x बच गया, और माइनस प्लस माइनस, 24 के टेबल में 120 कब आता है? 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये माइनस 24 जो है ना, इसको आपने ओमिट कर देना है, यानी इसको आपने नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, और x माइनस 5 से जो आपने अगेन डिवीजन करना है, एंड अगेन डिवीजन बाय x माइनस एंड अगेन डिवीजन। ठीक है, अब डिवाइड जो करना है आपने, वो मैं यहां आपको करके दिखा रहा हूं। अब आपने x माइनस 5 और ये जो आपका, जिससे आपने पहले डिवाइड किया था, वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, x माइनस 5 से, यानी जो आपकी वैल्यू बच जाएगी ना, और जो जिससे प्रीवियस किया हुआ होगा डिवाइड, आपको मालूम है जो है इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो प्रीवियस था वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 था। ठीक है, और जो आपका इससे एक्स माइनस 5 से आपने इसको डिवाइड करना है सिंपल। तो कैसे करेंगे? आपको एक्स स्क्वायर लाना है और आपके पास है एक्स माइनस 5, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आए? तो मैं एक्स माइनस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैंने आपको बताया पहली टर्म कैंसिल करनी है हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस 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 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया। किससे आया ये? एक्स से मल्टीप्लाई करने से, तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब आप इनके साइन चेंज कर दें, यानी ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस। अब माइनस 1 प्लस 5, तो ये प्लस 4 बचेगा, 4x माइनस 20। अब मैं अगेन x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x माइनस 20 आ जाए?
तो आप देख रहे हैं मुझे 4 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20, तो 4x माइनस 20, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये किससे हुआ था, प्लस 4 से, तो ये प्लस 4x और ये माइनस 4x, ये माइनस 20 और ये प्लस 20, ये क्या हो गया कैंसिल। तो जो हमारा HCF आया वो क्या आया है यहाँ पर, x माइनस 5, जिससे हमारा ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो LCM किस तरीके से निकालते हैं, LCM को आपको फॉर्मूला याद होगा, LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है, ये आपको LCM का फॉर्मूला याद होगा। तो अब देखें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स क्या है, यानी यहां पर ये एक पूरा पॉलीनोमियल है और ये दूसरा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और जो HCF है वो आपका क्या था, x माइनस 5, ये आएगा, ठीक है। अब मैं इस चीज को रिमूव कर रहा हूं ताकि आप आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो देखें सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसके आप फैक्टर्स बना लें, यानी 100 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 100। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 100 आए और प्लस या माइनस करूं तो माइनस 25 है। तो मैं अगर करूं 20 को 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 100 और माइनस 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 25। तो इसका मतलब है कि ये माइनस 25 किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ, माइनस 20x में और माइनस 5x में प्लस 100। अब इसी तरीके से 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया 20 मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 है प्लस या माइनस करूं तो माइनस 1 है, ये माइनस 1 है ना मिडिल टर्म। तो अगर आप देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और माइनस 5 प्लस 4 तो कितना बच जाएगा माइनस 1, हमें यही करना था। तो इसका मतलब है कि ये माइनस एक्स जो है ये किन में ब्रेक हो गया, माइनस 5x और प्लस 4x में। अब क्या किया आपने, इन दोनों में कॉमन देखा इन दो टर्म्स में, तो कॉमन आ गया x, पहली टर्म इन दो टर्म्स में x कॉमन आ गया, तो पहली टर्म में क्या बच गया x और दूसरी में 20, ठीक है। ये क्यों बचा है, देखें x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, तो कॉमन वही निकलता है जो या तो मिनिमम हो या दो, मतलब या तो दोनों में बराबर हो या फिर कम हो, ठीक है। अब 2 था और यहां 1 था, तो छोटा 1 ही है तो 1 बाहर आ गया, x की पावर 1 बाहर आ गई, पहली टर्म में x की पावर 2 थी तो 1 x की पावर 1 जो था वो आपका ऑलरेडी कॉमन था तो 1 बच जाएगा। इसी तरह माइनस 20 आ गया और x ऑलरेडी बाहर है। अब इन दो टर्म्स में कॉमन देखा तो मेरा कॉमन क्या आ रहा है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 100 भी आ जाता है, ठीक है। तो पहली टर्म में और यहाँ x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तो x है लेकिन यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो पहली टर्म में x आ गया माइनस प्लस माइनस। अब 5 के टेबल में 100 कब आता है, तो 5 के टेबल में 100 कब आता है 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने से, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, तो इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन जो है वो कॉमन x आ रहा है, ठीक है। तो पहली टर्म में अगर आप देखें तो एक x की पावर 2 थी, एक x तो मेरा कॉमन आ गया तो एक x बच जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस x ऑलरेडी बाहर है तो क्या बच जाएगा 5। अब 4x और माइनस 20, यानी 4x और माइनस 20 में कॉमन क्या आ रहा है 4 आएगा, क्योंकि 4 के टाइम में 20 भी आता है, तो पहले टर्म में x बच गया, दूसरी में 4 के टाइम में 20 कब आता है 4 5 जा 20, सही। और ये डिवाइड आ गया x माइनस 5। LCM इज इक्वल्स टू, याद रखिएगा कि जैसे ये दोनों ब्रैकेट है ना x माइनस 20 x माइनस 20 ये सेम आने चाहिए, तो जो सेम आए हैं वो एक दफा लिखे जाएंगे और जो आपने कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख लेना है आपने। इसी तरह ये देखें ये भी सेम आया x माइनस 5 x माइनस 5, तो ये भी एक दफा लिखे जाएंगे और जो कॉमन निकाले थे यानी x प्लस 4 ये साथ आ जाएंगे, मिला के लिख दिए जाएंगे और x माइनस 5 आ गया।
अब अगर आप देखें तो ये x माइनस फाइव से x माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एलसीएम बचा है वो यहां पर क्या बच रहा है, x माइनस ट्वेंटी, x माइनस फाइव और x प्लस फोर। और आपकी बुक में मैं आंसर चेक कर लेता हूं इसका, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था। इसी तरीके से हम लोग इसके जो बाकी तीन पार्ट हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। यह है इसका क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अब बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर वन की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ठीक है, और हमारा डिवाइड में 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब जैसे आपको मालूम है यहाँ पर हमें 6 जो है वो कैंसिल आउट करना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 18 प्लस 8। अब इसको मैं किस नंबर से, 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 6 बन जाए, ठीक है, क्योंकि मैं पहले टर्म को देखे आप, तो मैं 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाएगा। 2 3 दा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 14 दा 28 एक्स प्लस 2 8 दा 16। तो 2 से करने से क्या आया है, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स प्लस 16, ठीक है। साइन चेंज कर दे सब पे, माइनस ये भी प्लस था माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। अब प्लस 1 और माइनस 28, यानी 1 में से आपने 28 को माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा, माइनस 27, तो ये माइनस 27 आ गया x। अच्छा माइनस 2 है और माइनस 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18, सही। अगर अब आप देखें कि ये 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ रहा है माइनस 27x और माइनस 18, तो जो अगर हम इसको डिवाइड भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसको देखिए जैसे मैं आपको समझा दूं कि हम यहां पर ओमिट क्यों करते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब देखें, अब मुझे यहां माइनस 27 लाना है, मैं ये तो कर सकता हूँ 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करके 27 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, x है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टेप रोक देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस 27x और माइनस 18, अगर मैं कॉमन निकालूं तो इनमें माइनस, इसमें जो है 9 कॉमन आएगा क्योंकि 9 के टेबल में दोनों आते हैं, तो मैंने माइनस 9 कॉमन निकाल लिया। अब 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3 से, 3 और ये x आ गया, और माइनस माइनस प्लस 9 के डिनोमिनेटर के बाद है 2 से, तो हमने क्या कर देना है, ओमिट कर देना है किसको, माइनस 9 को, और अगेन डिवाइड करना है एंड अगेन बाय डिवीजन, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओमिट वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ क्यों जो है रुक कर जो है ये हम लोग आगे इसको सॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वो पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब देखें इसके बाद क्या होगा, मैंने यहां तक तो कर दिया, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें 3x प्लस 2 से और ये हमारा डिवाइड आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। अब ये 3x प्लस 2 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 3x स्क्वायर बन जाए। देखिए 3x तो है, यहां पर कमी किस चीज की है, स्क्वायर की, यहां पर x की पावर 1 है और हमें x की पावर 2 चाहिए, तो हम इसको सिंपल x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 3x को x से करने से 3x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x 2x आ जाएगा, ये किससे आया है, x से करने से, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x आ गया, ठीक है। साइन चेंज कर दे माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये प्लस 3x स्क्वायर ये माइनस कैंसिल, 14 में से 2 निकाला 12 बचा, 12x
और ये प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब 3x प्लस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 12 बन जाए, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 बनेगा 4 से करने से, 4 3 का 12x प्लस 4 2 का 8, तो ये 12x प्लस 8 आ गया, किससे करने से आया 4 से, तो ये साइन चेंज करते, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो जो मेरा एलसीएम आया है वो मेरा सॉरी जो मेरा एचसीएफ आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो मेरा क्या आया है 3x प्लस 2। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यहां तक आप कर ले, इसके बाद मैं वीडियो यहां पर जो है मैं इसको मिटाकर आगे सॉल्व करवाता हूं। अब आपको मालूम है कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ, तो दो पॉलिनोमियल कौन कौन से, एक ये पॉलिनोमियल है मेरा पूरा और एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 और दूसरा है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, डिवाइड कर देना है एचसीएफ से, एचसीएफ मेरा क्या आया है 3x प्लस 2, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सिंपल इसके हम लोग फैक्टर बना लेते हैं, तो मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं, एलसीएम जो हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, तो अब देखें 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो यह बन जाएगा 24, मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ ले कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 24 है, प्लस या माइनस करूं तो जो मिडिल टर्म है 14 वो आनी चाहिए, तो कैसे आ सकती है 24 है तो 64 का 24 हो रहा है 12, हाँ अगर आप करते हैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना बन जाएगा 24 और 12 में प्लस 2 करते हैं तब भी कितना बन जाएगा 14, तो इसका मतलब है कि ये जो 14 है मेरा किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ 12x में और 2x में, प्लस 8 आ गया, और इसी तरीके से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, ठीक है, तो ये आंसर आ गया 12, मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ लें कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, प्लस या माइनस करूं तो जो मिडिल टर्म है वो यहां पर 1 है, उसका कोफिशियंट एक्स लिखा हुआ है तो उसका कोफिशियंट 1 है, वो आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो अगर आप देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब क्या बन रहा है 12 और 4 में से 3 माइनस कर दो तब क्या बन जाएगा 1, तो इसका मतलब है ये ब्रेक किस में हो जाएगा 4x में और माइनस 3x में, माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 आ गया, तो अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कॉमन निकाला था यहां भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है 3x आएगा, 3x क्यों आएगा भाई, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है तो 3 कॉमन आ गया, और x क्यों आया क्योंकि यहां पर x की पावर स्क्वायर और यहां पर x की पावर 1 है, तो जो मैंने आपको बताया था या तो वो बराबर होने चाहिए या फिर जो मिनिमम होता है वो कॉमन आता है, तो अगर बराबर ना हो तो फिर मिनिमम आता है, तो x की पावर 1 बार आ गई तो पहले टर्म में मेरा x बच जाएगा और दूसरे में 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 4 12, x क्यों नहीं आएगा क्योंकि x ऑलरेडी बाहर है, सही है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, 2x प्लस 8 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, x क्यों नहीं आएगा इस बार क्योंकि x यहां तो है लेकिन x यहां नहीं है, कॉमन वो निकलता है जो दोनों टर्म्स में हो या फिर दो से ज्यादा में भी आप कॉमन निकाल लें तो वो चीज सब में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, तो x पहले टर्म में बच गया 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 से, याद रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रहे आपका कौन सा आंसर जो है वो रॉन्ग हो रहा है, अब इसी तरीके से हम इनमें कॉमन निकालते हैं, मैं इसको यहां रफ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है, और फिर x भी आएगा, x क्यों आएगा क्योंकि यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, तो x कॉमन आ गया, अब 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 से, और x की पावर 2 थी 1x बाहर है तो 1x बच जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 से आता है, इस तरह इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो फिर 1 आता है और फिर वो पूरे टर्म एज इट इज आ जाएगी, हाँ यहाँ याद रखिएगा ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप समझ रहे होंगे कि यार मेरा तो आंसर गलत आ रहा है,
तो देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गए, अपॉन 3x प्लस 2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपको मालूम है कि जो ब्रैकेट सेम आते हैं उन्हें एक दफा लिखना होता है, और जो कॉमन निकाले जाते हैं उन्हें एक साथ लिखना होता है, 3x प्लस 2। इसी तरीके से जो सेम आते हैं उन्हें एक दफा लिखना होता है, और जो कॉमन आते हैं, कॉमन निकाले जाते हैं उनको एक साथ लिखना होता है, 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। तो अब आप देख लें ये 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका एलसीएम बच जाएगा यहाँ पर वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस 4 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1, तो ये आपका आंसर आएगा। मैं ये बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर को। हाँ तो बिल्कुल यही आंसर है, सिर्फ उन्होंने ये कर दिया कि 3x प्लस 2 पहले लिख दिया है, मैं और करके लिख देता हूँ ताकि जो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने बुक वालों में 3x प्लस 2 पहले लिखा है, उसके बाद x प्लस 4 है और 2x माइनस 1 है, और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई इससे गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो बुक का आंसर था मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आप ये क्वेश्चन देखें तो जैसे ये क्वेश्चन, इसको मैंने कह दिया ये पॉलिनोमियल 1 है और वो है पॉलिनोमियल 2, यही सवाल है। जी तो अगर आप इनको देखें तो ये सॉल्व ऐसे नहीं हो सकेंगे, क्यों? क्योंकि देखें ये 3 है और ये 4 है, तो अब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 बन जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे जो है वो पहला नंबर इनका सेम आ जाए। तो अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 है जैसे, और इसको मैंने 2 कह दिया, तो अगर मैं 1 को इक्वेशन नंबर जो 1 है मेरी उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या होगा, देखिए जब 3 को 4 से करवाएंगे तो 12 बन जाएगा 12x³। 9 को 4 से करवाएंगे तो क्या बनेगा, 36x², और 84 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आप करके देख लेते हैं, 256 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, क्यों? क्योंकि 4 को 3 से करूंगा तो 12 बन जाएगा, तो जो पहला टर्म था वो मैच हो जाएगा, ठीक है, आसानी हो जाएगी इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई 2/3, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 को 3 से किया तो 12 बन जाएगा, 12x² माइनस 24 को 4 से, 24 को 3 से किया तो ये बन जाएगा आपका 24 48, और 72x³, और 32 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 96x². तो अब फ्रेंड्स ये और ये जो यानी 3 है और ये 4 है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, और अब इसके तहत हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप ये लोग देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करवाता हूँ। फ्रेंड यहाँ एक मिस्टेक आई है कि 4 4 16 4 8 32 होता है, तो यहाँ वैसे गलती हो गई, ये 336 आएगा, ठीक है, ये 336 है, ये देख लीजिएगा। इसके आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब हमने वो जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमने जो बनाई थी और उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है,
अब देखें 12x क्यूब है और यहाँ 12x4 है, तो मैं 12x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12x4 बन जाए। तो ये देखें 12x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 336x, ये है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 12x4 बन जाए। तो यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब है, x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x4 बने, x से करने से। तो सिंपल 12x4 हो जाएगा प्लस 36x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब माइनस 336x को x से किया तो x स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 12x4 प्लस 36x क्यूब माइनस 336x स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। अब देखें ये कैंसिल। अच्छा माइनस 72x क्यूब माइनस 36, तो माइनस 72 और माइनस 36 ये आपका बन जाएगा माइनस 108x क्यूब और प्लस 96 और 336, तो आप इनको ऐड कर ले 336 और 96, तो 6612 ये बन जाएगा आपका 402। तो इसके बाद आपने इसको माइनस कर देना, यानी माइनस 72 प्लस 36 माइनस 36। तो ये आपका बन जाए माइनस 108x क्यूब। और इसी तरीके से आपने इसको आगे सॉल्व करना है। यानी प्लस 96 और प्लस 336 है, तो ये बन जाएगा प्लस 432 एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 12x क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस 36x स्क्वायर माइनस 336x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस 108 आ जाए। पहली टर्म देखें आप, तो 12 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा माइनस 108 एक्स क्यूब। उसके बाद 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा आंसर आ गया माइनस 324 एक्स स्क्वायर। और माइनस माइनस प्लस, 336 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये आ गया 3024 एक्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ आ गया माइनस 108 एक्स क्यूब माइनस 324 एक्स स्क्वायर और प्लस 3024 एक्स, सही। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट, इनको आप, मैं रफ कर रहा हूं यहां पर, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 108 एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया। अब 432 और 324 ये हो गया आपका 756 एक्स स्क्वायर माइनस 3024 एक्स। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, 756 एक्स स्क्वायर माइनस 3024 एक्स। अब ये कॉमन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मैं ऐसा करता हूँ 3024 को डिवाइड कर देता हूँ 756 से, हाँ तो ये 4 आ रहा है, यानी 756 x मैंने कॉमन निकाल लिया, 756 के टाइम में 756 कब आता है 1 से, और x की पावर 2 थी, 1x बाहर गया तो 1x बच गया। और 3024 756 के टाइम में कब आ रहा है, 4 से, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने 756 को ओमिट कर देना है, ओमिट 756x, और अब हमने किससे डिवाइड करना है, x माइनस 4 से, एंड अगेन डिवाइड एंड अगेन डिवीजन। अब किसको डिवाइड करना है, हमने हमने x माइनस 4 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूं।
अच्छा तो जो हमारा बच गया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है, हमने वहां पर जो ओमिट कर दिया था उसके बाद हमारा ये बचा था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब इससे जो हमने इसको डिवाइड करना, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 12x क्यूब आ जाए। तो देखें मैं अगर इसको 12x से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x क्यूब बन जाएगा। कैसे, 12 आ गया, 12 को 1 से किया, 12 बन गया 12, x है और x को x स्क्वायर से किया तो क्या बन जाएगा x क्यूब, माइनस 12 को 4 से किया 12 फोर था 48, x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आ गया। ये किससे हुआ है 12x से। उसके बाद साइन चेंज कर दिया, ये माइनस और ये प्लस तो ये कैंसिल। अच्छा 48 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84 माइनस 336x। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा के 84 आ जाए, तो 84 से ही करने से ही आएगा 84x स्क्वायर माइनस 84 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 336 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर 84 से मल्टीप्लाई करने से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, साइन चेंज कर दे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो जो हमारा एच सी एफ आया है वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है आपको मालूम होगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, यानी एक पॉलिनोमियल है हमारा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x, और दूसरा हमारा पॉलिनोमियल क्या था 4x4 माइनस 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर, सही। और जो हमारा एच सी एफ आया था वो क्या आया था, वो आया था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है, ये हमारा एच सी एफ आया था, ठीक है। अब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो देखें 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x, इनमें कौन तीनों में कॉमन एक चीज आ रही है, वो आ रही है 3 और x, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो पहली टर्म में मेरा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरी में मेरा बच जाएगा 3x, और तीसरी में मेरा 3 के डबल में 84 कब आता है, 3 के डबल में 84 आएगा 28 से, ठीक है, और x ऑलरेडी बाहर है। इन तरह इस तरीके से इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो पहली टर्म में मेरा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरी में 4 के डबल में 24 कब आता है, 4 6 जा 24, और 32 कब आता है, 4 8 जा 32, तो ये आ गया। और इसी तरह नीचे में अगर कॉमन निकालो तो x बच रहा है कॉमन मेरा, तो पहली टर्म में मेरा x बच जाएगा, दूसरी में मेरा 4 बच जाएगा, ठीक है। ये आप x से x को कैंसिल कर दिया, तो एलसीएम 3 4 जा आपका क्या बन रहा है 12x स्क्वायर। और अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, x माइनस 4 से। तो इसके बाद मैं इसको रफ करके आगे आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे 28 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28 को 1 से करने से 28 आ गया। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं या तो 28 है 28 आना चाहिए और प्लस या माइनस करूं तो 3 आना चाहिए। तो देखिए 7 4 जा 28 और 7 में से 4 माइनस कर दो तो मेरा क्या बच जाएगा 3, यानी मिडिल टर्म मेरी ब्रेक हो जाएगी। तो एलसीएम में 12x स्क्वायर
तो ये ब्रेक हुआ किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 में, और ये वाला ब्रेक हो जाएगा आपका, और ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा 8 × 8। अच्छा मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 है, प्लस या माइनस करूं तो माइनस 6 है। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 बन जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 6। तो इसका मतलब है कि ये माइनस 6 किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है, माइनस 4x में और माइनस 2x में, प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। अब एलसीएम इसका आगे फाइंड आउट कर लेते हैं, 12x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो पहले टर्म में क्या बच जाएगा, x, और दूसरी में 7, और इसी तरह इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आएगा, पहले टर्म में मेरा x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 के टेबल में 28 का बात है, 4 × 7 = 28, ठीक है। अच्छा इन दो टर्म से मैंने कॉमन देखा, तो इन दोनों टर्म से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, x, तो पहली टर्म में मेरा क्या बच जाएगा, x, और दूसरी में 4, सही, और इन दोनों टर्म में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो पहली टर्म में मेरा बच जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस, 2 के टेबल में 8 का आता है 4 से, 2 × 4 = 8। देखिए ये ब्रैकेट, ये भी दोनों सेम आ गए और ये दोनों भी सेम आ गए, अपॉन x माइनस 4। तो एलसीएम में 12x स्क्वायर, ये जो सेम आए थे इन्हें एक दफा लिखते हैं, और जो कॉमन निकाले जाते हैं उनको एक साथ लिखते हैं, इस तरह ये दो जो सेम आए थे उनको एक दफा लिखते हैं, और जो कॉमन निकाले गए थे उनको एक साथ लिखते हैं। देखिए x प्लस 7 आ गया, ये कॉमन थे, x माइनस 4 आ गए, ये x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन सेम था, तो एक दफा आ गया, और कॉमन जो निकाले थे x माइनस 2 वो लिख दिए, अपॉन x माइनस 4। तो एलसीएम में मेरा आ गया 12x स्क्वायर, x प्लस 7, अच्छा x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 4 और x माइनस 2, ये मेरा आंसर हो गया। तो जो मेरा आंसर आया वो ये आया है, एलसीएम में 12x स्क्वायर, x प्लस 7, x माइनस 4 और x माइनस 2। अब मैं ये अपना आंसर बुक से वेरीफाई कर लेता हूं, तो फ्रेंड हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लिया, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।